विद्युत जमाल भी कह सकता है, उसको रोमन रेंस भी कह सकता है। हमारा बॉडी देखिए, फिगर देखिए, ये मेन हीरो मेन विलेन है, वो उसका राइट हैंड वाला में वो मुझे ऑर्डर देता है कितने को ऐसा करो पैसा लेकर आओ। मैं भी कम तुरी नावडे को, वो जैसा लोग है मेरा भी ऐसा ही लोग है, मेरा बॉडी नहीं है इसीलिए कर बोल। हेलो इंडिया, नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग ऑसम इंडिया एंड गुड मॉर्निंग ऑसम आसाम। सो गाइस, कुमरुक सुदूम पीएमसी को ऑफिशियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज बताइए, मैं शूटिंग के दौरान गुआमुख पे आया हुआ हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग शूटिंग जो है माजोनी रेस्टोरेंट से होटल से होने वाले। सो गाइस, यहाँ का परिवेश जो है नजारा मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करेगा। देखिए गाइस, आज हमारा 3 डेज है, शूटिंग चल रहा है, अभी फिलहाल मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं मीटअप के लिए भी आया था, अभी फिलहाल मेरा 5 दिन हो गया है, अभी कितना दिन रहना पड़ेगा मुझे पता नहीं है। कल फिनिश होगा, फिर मैं घर जाएगा परसों, उसके बाद बाटल को फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली अभी हमारा यहाँ का शूट हो गया है, शूटिंग हो गया है, अभी फिलहाल दूसरा लोकेशन पे जाना पड़ेगा, इधर से हम निकलने वाले। अभी हमारा जो वैन है, कार है, उसको वेट कर रहा है, देखो हम अभी यहाँ से निकलने वाले और उधर का नजर आप लोग को देखाएगा। वीडियो एंड तक जरूर जारी रखना गाइस, एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोग को गुगामुख जगह का नज़ारा देखने को मिलेगा गाइस। दोस्तों ये आप लोग देख ही रहा है, हम दोनों बॉडीगार्ड देवो और मैम के साथ, देख रही मैम का बॉडीगार्ड है, हम लोग मैम का आगे आगे हम प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है। ये हमारा मैम है, देखिए हाय बॉडीगार्ड। गाइस देखिए, कुमरुक सुदूम लिखा हुआ है, यानी स्वागतम मैनापुरा मिसिंग आदर्श गांव गुगामुख। ये देखिए हमारा ट्राइबल मिसिंग विलेज से दौलूम, मैनापुरा मिसिंग विलेज गांव है, ये आप लोग देख सकता है, ये मैनापुरा मिसिंग दौलूम है गुगामुख, ये हमारा ट्राइबल एरिया है। हम यहाँ पर लोकेशन ढूंढ रहे हैं, देखो हाय मिसिंग ब्लेज गांव का नज़ारा देखिए गाइस। हम अंदर की तरफ शूटिंग करने जा रहा हूँ मिसिंग ब्लेज पे, देखो स्कूल में बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये ग्रास देखिए, घास देखिए यार, इतना बड़ा बड़ा रखा हुआ है, ये है मिसिंग ट्राइबल एरिया मैनापुरा गांव। सो गाइस, हम फिलहाल अभी शूटिंग साइट पे, यह गुगामुख ऐसी जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पर मार्केट है क्योंकि मेडिकल ऑपोजिट साइड में है शायद, ये भी मैं मेकअप करने वाला हूँ, ये दीदी हमको भी मेकअप कराएगा। देखिए गाइस, देखिए गाइस, हम ई रिक्शा में जाकर अभी जगह जगह जाकर हम शूटिंग कर रही है, अभी देखो रहा हो इस फिल्म का, ये देखिए यहाँ का नजारा, यहाँ का नजारा देखिए गाइस, यहाँ से फिर किधर जाएगा पता नहीं, हमको सिर्फ भगा भगा के लेके जा रहा है, तोरा इधर शूटिंग हो रहा है, तोरा उधर हो रहा है। ये जगह का नाम क्या है? ये बिलेन है, प्रियंका जगह तो नाम की प्रियंका, ये हमारा मिसिंग आर्टिस्ट एक्ट्रेस है, ये कम से 3 साल फिल्म कर चुके हैं अभी, प्रियंका पेगू है, ये माजुली बेसामोरा गांव से है,
फिलहाल हाल ही में दो दिन पहले उसको मिला हूँ, सो एक साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस यहाँ का नजारा, हमारे यहाँ गुगामुख एरिया में मिसिंग ट्राइब एरिया में ब्लेसियो में हमारा शूटिंग चल रहा है। अभी हम यहाँ से उधर उधर लोकेशन ढूंढ के हम शूटिंग चला रहा है। इधर का लोकेशन थोड़ा ले रहा है, उधर का लोकेशन थोड़ा ले रहा है। ये देख सकता है ये गुगामुख का जो गोल्डन जुबली हुआ था ना, यही जगह पे है गुगामुख गोल्डन जुबली जिधर हुआ था यही लोकेशन है। देखिए गाइस ये आप नजारा देखिए, गुगामुख जो गोल्डन जुबली किया था ना यही पे हुआ था, यही घर पे देखिए हम यही पे शूट किया था। अभी हम लड़कियों को यहाँ बांध के माने किडनैप करके यहाँ रखा था, फिर अभी शूटिंग यहाँ खत्म हो गया। और ये हीरो है या विलेन है मेन, आप लोग देखते रहना तभी हम लोग का यहाँ का नजारा मेरा ब्लॉग के जरिए आप लोग को देखने को मिलेगा। सो गाइस हमारा टीम उधर चला गया है और अभी हम यहाँ ई रिक्शा में जाने वाले हैं। थोड़ा हमारा जो लोग ज़्यादा भीड़ थी जगह नहीं था, इसलिए ये हम आज के लिए लिया गया। आप उधर जाओ, मैं उल्टा नहीं बेच सकता हूँ, नहीं मैं नहीं बेच सकता हूँ उल्टा। चलो हमारा ग्रुप हाय ब्लो, हमारा शूटिंग है अभी थोड़ा खाना खा के हम शूटिंग पे फिर निकल रहा है अभी लंच करके। अभी देखिए ये दुर्गेश्वर पाती, ये कार्पुपुली दोलूंग है, कार्पुपुली गुआमु कार्पुपुली दोलू पे हमारा शूटिंग चल रहा है अभी, शूटिंग होगा शायद। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नजर, हम एमएलए सार के घर पे अभी एंट्री करने वालों, यहाँ शूटिंग होने वाले एक्स एमएलए। ये देखिए आप लोग, मेरा ड्रेस भी चेंज कर दिया मैंने, अभी शूटिंग चल रहा है हमारे यहाँ पर शिरोमणि भवन पे। ये है एक्स एमएलए क्या दुर्गेश्वर एक्स, यहाँ पर हमारा शूटिंग चल रहा है, आप लोग देख ही रहा होगा शायद। मेरा ड्रेस भी चेंज कर दिया, यहाँ एक्स एमएलए जो ए दुर्गेश्वर पाटिल सर के घर भवनों में शिरोमणि भवन एंड अजय कुमार पाटिल लेक्चरर है धेमाजी कॉलेज के सारों के भवन पे शूटिंग हो रहा है। या फिर ये भवन कहते हैं उन लोग घर को, उन लोग के लिए एमएलए के लिए भवन। ये देखो शूटिंग हो रहा है अभी हमारा फिल्म शूटिंग साइट पे, मीडिया लोग भी आया हुआ है हमारा शूटिंग का वाइट लेने के लिए साइट, और मैं आप लोग को दिखाने का कुछ करेगा कौन सा मीडिया से आया हुआ है। सो गाइस देखते हैं, देखिए गाइस ये मीडिया लोग आया हुआ है, अभी देखो कौन सा न्यूज से आया हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हैं किसान न्यूज टाइम्स न्यूज मिसिंग लुटाट एनी भारत न्यूज प्लस एन बी न्यूज। देखिए गाइस सिनेमा এখন जो आज पर आरंभ কৰিছো আমি, আৰু সিনেমাখনৰ নাম হ'ল ৰং মানিং, সিনেমাখন মূল সপোন। আৰু এই সিনেমাখনত মিচিং সমাজৰ বহুতো নতুন পুৰণি শিল্পী আৰু নতুন জনগোষ্ঠীসকলে আমাৰ এই সিনেমাখন, যিহেতু এই সিনেমাখন মিচিঙত বনোৱা হৈছে এইটো অসমীয়ালৈকো ডাব হ'ব, আৰু ইয়াত দুগৰাকী গণ্যমান্য অসমীয়া অভিনেতাও জড়িত হৈ আছে, অতুল পাচনি আৰু ইজন অৰুণ হাজৰিকাও জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই সিনেমাখন সকলো মিচিং ৰাইজে তথা সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এই মিচিং সিনেমাখন আদৰি ল'ব বুলি আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, আৰু পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। आप देख सकते हैं घर के अंदर का नजारा, देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल से बना हुआ है टाइम से लेकर, देखिए मेरे साल का घर के अंदर का नजारा देखिए, यहाँ पर ये साल का बेटी वही एम एल ए साल के बेटी का रोल निभा रहा है, शायद उसका बॉडी गार्ड होगा, मैं पता नहीं उसका बॉडी गार्ड नहीं रखा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम बॉडी गार्ड भी मिल रहा है। मेरे बेटी की घर की बेटी हो तो ऐसा ही होता है, मिलने से भी नहीं होगा पर फिल्म में तो मिल रहा है ना, बहुत खुशी का बात है। एमएलएस का वो लड़की का रोल निभा रहा है, मैं उसका बॉडीगार्ड होगा शायद। और ये भी बता दीजिए क्या मैं एमएलए का बेटी के लायक हूँ या नहीं, इसको बाद में ये सुनो सब लाइक सेक्स हो ये फिल्म में ये प्रधानमंत्री का भी बेटी का रोल निभा सकता है, एक्चुअली जैसे ही बनाना पड़ेगा, वो देखना चाहिए, लाइक होना पड़ेगा ना, तो फिर बनने के लिए शक्ल अच्छा होना चाहिए, वही है
तो फिर उसको बोला स्क्रिप्ट राइटर को, बोला डायरेक्टर को मेरे साथ प्यार होने का, थोड़ा स्क्रिप्ट लिख देने के लिए बोला था, उसको भगा के लेके जाऊंगा ड्राइवर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये नहीं हो रहा यार, फिल्म भी हो रहा है ना। कितना स्पेशली हमको स्वागत कर रहा है, हमको यहाँ काटी वाले मेहमान काटी वाले कर रहा है। अभी देखिए ये लाल सा जैसा, ग्रीन टी जैसा लग रहा है। देखिए देखिए, ये हमारा मेन आर्टिस्ट मेकअप, ये भी यूट्यूबर है। ये नामसाई से अरुणाचल से है, रसना कुंभांग है उसका नाम। पहले से मेरा नाम, उसका नंबर मेरे पास है लेकिन बातचीत नहीं किया ऐसे ही। ये हमारा प्रियंका दीदी, ये प्रियंका दीदी बोला मैंने। ये मेरा, मैं इसको आज किडनैप किया था। ये पतला जैसा दिखता है लेकिन उठाने में बहुत दिक्कत हुआ, इतना वेट है उसको। पतली समझ के कमजोर मत समझना, ठीक है? हाँ, ये मार्क बॉय विलेन विलेन। ये देखिए अंदर की नजर है, मैं लोग को हमको कितना स्पेशली साइड दिया। देखिए हम जिंदगी में सच से कह रहा हूँ, इसके मैं कभी नहीं दिया हूँ। उतर छुते में पीता है घर में नहीं। ये MLA साल के घर में हम अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा भी नहीं था। साई के साथ आसामिस को हमारा जलपान के, तो जलपान भी दिया था। अभी 8 बज गया है फिलहाल। ये देखिए, अभी देखिए गाइस, बहुत सामान की व्यवस्था किया गया। देखिए, देख सकते हैं अभी ये फ्रॉक का मीन। इतना खाने का मिल रहा है, दे रहा है सब को भी। ये पिक जो है, पिक मीट पोर्क बम्बू से, बम्बू का एक देख सकता है हमारा गोजाली, गोजाली बोली कोई गोजाली कहते हैं। ये बैंबू का शॉप बाघ से बनाया गया है। ये मैम, ये सब लोग का किचन देखिए गाइस, यही दुकान स्टॉक करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखो नजारा देखिए, यही दुकान जैसा लग रहा है। देखो कुछ मार्केट आके करना ही नहीं पड़ता है सर, पूरा स्टॉक करके रहता होगा, आप लोग देख सकता है। और ये जो शहर के व्यक्ति खुद काम करके हमको खिला रहा है, देखो गाइस, ये किचन है। थैंक यू सर को, फैमिली को अच्छा सुखी से सलामत रहे, लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहे, प्यार करते रहे। हमारे तरफ से भी आशीर्वाद है और हमारा बीजार भी आशीर्वाद दे देना गाइस। नाइस शूट हो रहा है हमारा, देखिए अंदर का नजारा। नाइस शॉट लगा दो नमा आइडिया में हो जाओ। कोई सा ये लाइट थकी हो जाए एक्टिंग।